हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डी आर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। जितने भी लोगों को सांस की दिक्कत होती है, जिनको सांस खींच खींच के लेना पड़ता है, मुँह खोल कर सांस लेना पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे घुटन सी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन खत्म हो गई, सोच सोच कर सांस लेना पड़ता है कि अगर सोच कर सांस लिया नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और उनके टेस्ट जो है ना, वो सारे नॉर्मल आते हैं। सर, मैं हार्ट के टेस्ट करवा चुका हूँ, नॉर्मल है। सर, मैं सांस के टेस्ट करवा चुका हूँ, PFT करवा चुका हूँ, एक्सरे करवा चुका हूँ, ये सारा कुछ मेरा नॉर्मल है, बट फिर भी मेरे को ये सांस की दिक्कत रहती है, तो इसका ट्रीटमेंट मैं कैसे करूँ? मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ दोस्तों, जिस टेक्निक से आप अपनी इस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के ऊपर काबू पा सकते हैं, आप अपनी समस्या के अंदर बहुत ही ज़्यादा सुधार महसूस कर सकते हैं अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जितने लोगों को सांस की दिक्कत होती है ना, वो एक मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या है कि जैसे ही सांस में दिक्कत हो रही होती है, या जैसे ही वो सोचना शुरू करते हैं इसके बारे में, या जैसे ही थॉट आता है कि और सांस नहीं आता, तो फिर वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब इसमें भी एक दो बार अगर ढंग से सांस नहीं आया ना, और ज्यादा घबराहट होने लग जाती है कि अरे यार, अभी तो दम ही निकल जाएगा, अभी तो कुछ और हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है कि ये जो हम मुंह से सांस ले रहे होते हैं ना, दो तीन बार खींच के सांस ले रहे होते हैं, या बार बार उबासी ले रहे होते हैं, जो हर एक एक दो दो मिनट बाद जो आपको उबासी आ रही होती है, बहुत ज्यादा खींच के आपको सांस लेना होता है, तो यहां पर करना क्या है? मुंह से सांस नहीं लेना दोस्तों। जो हमारे सांस का जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है वो हमारे नाक से है। नाक के थ्रू जो सांस है वो हमारे जो सांस नली से होते हुए हमारे ट्रेकिया उससे होते हुए हमारे फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है। वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके फेफड़ों में आती है, फेफड़ों से वापस वो आपके ट्रेकिया से होते हुए नाक के होते हुए वो बाहर आती है। ये पूरे रेस्पिरेटरी साइकिल होता है जो एक मिनट में तकरीबन 12 से 18 बार होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हमें जब भी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो उसके कारण जैसे ही हमें ये सांस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके अंदर क्या है कि हम धीरे धीरे मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना। ये क्यों नहीं करना? क्योंकि आप जितना मुंह से सांस लेते हो उतना इसका एक स्ट्रांग लूप बनता चला जाता है, एक हैबिट लूप बनता चला जाता है कि जब भी आपको थोड़ा सा भी अनइजी सा फील होगा, वो मौका होता है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का। लेकिन जैसे ही हम मुंह से सांस ले लेते हैं, दिमाग के अंदर एक नेगेटिव लूप और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अब जब आप मुंह से सांस लेते हो और आप लोगों के बीच में बैठे होते हो और आप मुंह से सांस ले रहे होते हो, तब आपके मन में और ज्यादा थॉट आते हैं कि यार पता नहीं ये क्या सोच रहे होंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, लोगों के सामने मैं कैसे बार बार मुंह से सांस लूंगा, तो आपकी एंजाइटी और बढ़ती है, और फिर इस एंजाइटी के चक्कर में और ज्यादा आपका जो माउथ रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और इसके कारण हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये परसिस्ट करती है। हमें मुंह से रेस्पिरेशन नहीं करना। आपको चाहे कितना ही घबराहट हो, आपको चाहे कितना ही घुटन हो, आपको चाहे कितना ही ऐसा क्यों ना लगे कि भाई अभी तो मरूंगा, तो भी मुंह से सांस नहीं लेना। इसमें सिर्फ हमें ये फील होता है कि अभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। अगर आपके टेस्ट नॉर्मल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। जैसे ही दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट क्रिएट होते हैं, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सुन लिया, किसी के मरने के बारे में सुन लिया, किसी के डेथ के बारे में सुन लिया, किसी के कोरोना, किसी के कैंसर, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ भी सुन लिया, हमें घबराहट होती है, और उस घबराहट के कारण हमारा जो एंजाइटी वो क्रिएट होता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसमें गड़बड़ होती है, और उसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। अब वहां पर मौका है, अगर आपने ढंग से सांस ले लिया नाक के थ्रू, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन का तरीका है उसके थ्रू अगर आपने रेस्पिरेशन कर लिया, नाक से सांस ले लिया, चाहे कितना भी आपका मन कर रहा हो कि मैं एक बार मुंह से सांस ले लेता हूं, नहीं लेना, मुंह से सांस नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह बंद रखिए, नाक से सांस लीजिए, चाहे उबासी आ रही तब भी कंट्रोल करिए, अपने मुंह को कुछ इस तरह से दबा के रखने की कोशिश करिए, अपने आप को रिलैक्स करिए। नाक से ही रेस्पिरेशन लेना है, मुंह से रेस्पिरेशन नहीं लेना। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका ये जो बार बार जो ये उबासी आने वाला जो प्रोसेस है ना, ये कम हो जाएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा। आपको ये जो सांस की जो लूप जो बन रहा है दिमाग के अंदर, ये लूप भी आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर जो लूप है वो जब हम मुंह से सांस लेते हैं ना, तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि मुंह से पूरा सांस आ नहीं रहा होता, और ज्यादा डर लग रहा होता है। और नेचुरल नॉर्मल जो प्रोसेस है वो कौन सा है? नाक वाला। कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो जाए, बस नाक से सांस लीजिए, मुंह को बंद रखिए। जब आपको बहुत ज्यादा मन करे ना कि मुंह से सांस ले लूं, उस समय तो बिल्कुल ना करिए।
चाहे कुछ भी हो जाए, मुंह को एकदम बंद रखिए, सिर्फ और सिर्फ नेजल जो नाक के थ्रू है उसको रेस्पिरेशन को स्टार्ट रखिए। इससे ये जो सांस वाला जो प्रोसेस है ना, आपके दिमाग के अंदर जो एक नेगेटिव पैटर्न है वो पैटर्न बनने से रुक जाएगा। अगर वो पैटर्न रुक जाएगा तो ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी, धीरे 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 ये प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। एक तो ये टेक्निक अपनानी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है हमारा, नाक से भले ही एक सांस लंबा खींच के रख लो और उसको धीरे धीरे छोड़ो, कोशिश यही करो कि ये खींच के रेस्पिरेशन भी ना लेना पड़े, नॉर्मल जो सांस के रिदम है उस पर चलने दीजिए। जब आपको बहुत ज्यादा लगे, अनकंफर्ट सा फील हो, उस समय मुंह से सांस मत लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नाक से सांस लीजिएगा। एक तो ये हमें करना है। दूसरा हमें क्या करना है कि दोस्तों, इस चीज को जो जड़ से खत्म करने वाला प्रोसेस है कि हम सर इसको तो बस जड़ से खत्म करना चाहता हूं, तो अगर हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो सीबीटी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉग्निशन वाला पार्ट और एक बिहेवियर वाला पार्ट। बिहेवियर वाला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना। कॉग्निशन वाले पार्ट के अंदर क्या करना होता है कि जो हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं, जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं, किसी भी नेगेटिव इवेंट को लेकर जब भी हमारे दिमाग के अंदर एक खराब पिक्चर बनती है कि बस अब तो गए, अब तो मरे, अब तो कुछ हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, ये जो नेगेटिव पिक्चर जो क्रिएट होती है ना, ये इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए होते हैं। हमें उन नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को करेक्ट करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो भी थॉट आता है उस थॉट को डिस्प्यूट करना सीखना होता है, उसको वैलिडेट करना सीखना होता है। तो दोस्तों, सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, कॉग्निशंस के ऊपर वर्क करिए और अपने बिहेवियर के ऊपर वर्क करिए, मुंह से सांस नहीं नाक से सांस और नेगेटिव थॉट को करेक्ट करना। दोस्तों, हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर पूरा कोर्स लॉन्च किया जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप सीबीटी को एक सेल्फ थेरेपिस्ट के तौर पर आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। अपना डिप्रेशन, अपना पैनिक, अपना फोबिया, अपनी एंजाइटी, अपनी ओसीडी, उन सब से आप पार पा सकते हैं, उन सब से आप निजात पा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के रूप में, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू। उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं और उन सारे सेशंस का आनंद उठा सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTP को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।